Students, Michael Faraday was an English scientist, and in 1822 he wrote a goal on his notebook, and his goal was to convert magnetism into electricity. Then later in 1822, after almost 10 years, he succeeded in converting his dream into reality. Michael Faraday ने ये observe किया कि अगर किसी conductor को किसी magnetic field के across move किया जाए, तो अगर वो conductor एक closed loop की form में connected हो, तो उस moving conductor के across current generate होता है. इस process को उन्होंने नाम दिया electromagnetic induction का, और इस process में जो EMF induce होती है, उसे नाम दिया induced EMF का, और इस EMF के result के तौर पर जो करंट जनरेट होता है इसे नाम दिया इंड्यूस्ड करंट का. माइकल फेराडे ने स्टार्ट में जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की फिनोमेना को ऑब्जर्व किया, तो उन्होंने जो स्टेटमेंट दी वो कुछ यूं थी. व्हेनेवर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल इज चेंज, दिस चेंज विल जनरेट ईएमएफ व्हिच इज कॉल्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ. स्टूडेंट्स, इस स्टेटमेंट को हमने अपने प्रीवियस आर्टिकल्स में मल्टीपल टाइम्स यूज किया है, और माइकल फेराडे ने जब उन तमाम एक्टिविटीज और ऑब्जर्वेशंस को देखा, तो तब उसने इस स्टेटमेंट से एक सेकेंड स्टेटमेंट कंक्लूड की, जो कि कुछ यूं है. अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, द एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ कंडक्टिंग कॉइल ऑफ एन लूप्स is equal to the negative of the rate at which the magnetic flux through the coil is changing with time. Or in simplest form, we can say the induced EMF in a conducting coil or a conducting loop is directly proportional to the rate of change of magnetic flux. Students, ye statement show kar rahi hai ki induced EMF is directly proportional to the rate of change of magnetic flux. Yani jitna zyada hoga change of flux, utna hi zyada induce hoga EMF. So is statement ko agar mathematically likhe, E is equal to minus delta phi over delta t. Yahan ye E show kar raha hai induced EMF ko, aur ye phi show kar raha hai फ्लक्स को. डेल्टा फाई शो कर रहा है चेंज ऑफ फ्लक्स को, एंड डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी शो कर रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्लाइड्स में हम इन डिटेल इस रिलेशन को डिराइव करेंगे बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ मोशनल ईएमएफ. फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के मैथमेटिकल रिलेशन को ड्राइव करने के लिए हम लोग ये एक्टिविटी ऑब्जर्व करते हैं. सपोज वी हैव अ कंडक्टर ऑफ लेंथ एल, एंड वी हैव प्लेस दिस कंडक्टर ऑन कंडक्टिंग मेटल रेल्स, एंड दीज कंडक्टिंग मेटल रेल्स आर कनेक्टेड विद अ गैल्वेनोमीटर. वी हैव प्लेस्ड दिस होल अरेंजमेंट इन अ मैग्नेटिक फील्ड दैट इज डायरेक्टेड इनटू पेपर. Initially, the conductor is at position 1, and we have represented this position as x1. After some time, hum is conductor ko move karte hain with velocity v in this direction. Ab jab conductor move karega is direction mein with velocity v, to wo koi distance cover karega, that is represented as delta x. Kyunki conductor move kar raha hai, तो उसकी पोजीशन में चेंज आ रहा है. उस न्यू पोजीशन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं x2 से. सो स्टूडेंट्स, द डिस्टेंस कवर्ड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज x2 माइनस x1. एज कंडक्टर इज मूविंग विद वेलोसिटी v, सो वेलोसिटी इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, सो वी कैन राइट इट एज As conductor is moving with velocity v, so conductor की motion की वजह से
यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से यहाँ ईएमएफ इंड्यूस होगी और इस ईएमएफ के इंड्यूस होने की वजह से यहाँ करंट इंड्यूस होगा। स्टूडेंट्स, जब हम इस कंडक्टर को स्टॉप कर देंगे यानी इसे मजीद मूव नहीं करेंगे तो तब चूंकि जहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो ईएमएफ भी इंड्यूस नहीं होगी, तो इनडायरेक्टली अगर हम देखें तो करंट भी इंड्यूस नहीं होगा। अब चूंकि जहाँ कंडक्टर मूव कर रहा है तो प्रीवियस टॉपिक में हमने स्टडी किया था मोशनल ईएमएफ को, यानी कंडक्टर की मोशन की वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसे हम कहते हैं मोशनल ईएमएफ। सो रिलेशन फॉर मोशनल ईएमएफ इज ई इज इक्वल टू माइनस वी बी एल, इसे लेबल करें इक्वेशन नंबर 2। अब दिस वी इज द वेलोसिटी और इक्वेशन 1 में आपने वेलोसिटी की डेफिनेशन कुछ यूं पढ़ी थी, तो यहाँ इक्वेशन नंबर 2 में वेलोसिटी की जगह जब हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ई इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी बी एल, साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इक्वेशन नंबर 3 इज ई इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी इंटू बी एल। अब इस इक्वेशन में हम शिफ्टिंग करें, डेल्टा एक्स और एल को इकट्ठा लिखें और बी को एक साइड पे शिफ्ट करें तो इस रिलेशन को हम लिखेंगे ई इज इक्वल टू माइनस बी ओवर डेल्टा टी इंटू डेल्टा एक्स एल। स्टूडेंट्स, ये जो टर्म है डेल्टा एक्स एल, अगर हम इसको एक्टिविटी में ऑब्जर्व करें तो दिस इज बेसिकली इंक्रीज इन द एरिया ऑफ द लूप। जब लूप इस पोजिशन पे थी तो इसका एरिया कम था, लेकिन जब हमने इस लूप को मूव किया और इस पोजीशन पर लेकर आए तो इसके एरिया में इंक्रीज आया। अब इसके एरिया में कितना इंक्रीज आया है इसे हम फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस रिलेशन, डेल्टा ए इज इक्वल टू डेल्टा एक्स टाइम्स एल। सो इक्वेशन नंबर 4 में हम इसकी वैल्यू को जब पुट करेंगे तो ई विल बी इक्वल टू माइनस बी डेल्टा ए ओवर डेल्टा टी। अब इस रिलेशन को अगर हम देखें तो दिस इज बेसिकली द डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स। चूंकि हमने फ्लक्स को डिफाइन किया था फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए, और अगर हम डॉट प्रोडक्ट को ओपन करें तो वी कैन राइट इट एज बी ए कॉस ऑफ थीटा। अब इस रिलेशन में अगर हम देखें, अगर फ्लक्स को चेंज करना है तो हमारे पास हैं 3 पॉसिबिलिटीज। या हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को चेंज करके फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं, या हम एरिया को चेंज करके फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं यानी एरिया ऑफ कंडक्टिंग लूप को चेंज करके फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं, या एंगल थीटा को चेंज करके हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं। और ये तमाम केसेस हमारे फर्स्ट लेक्चर में हमने इन डिटेल डिस्कस किए थे। स्टूडेंट्स, आज की एक्टिविटी में वी आर चेंजिंग द एरिया ऑफ द कंडक्टिंग लूप। So change in flux is basically B times delta A. अब equation 6 में हम लोग B times delta A की जगह delta phi लिखेंगे. So E will be equal to minus delta phi over delta T. Students, इस activity में हम लोग ऐसा case consider कर रहे हैं कि हमारे पास जो loop बन रही है वो एक single loop है, लेकिन अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स नंबर ऑफ कॉइल्स को यूज करेंगे देन दिस रिलेशन विल बी मॉडिफाइड एज ई इज इक्वल टू माइनस एन टाइम्स डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। अब इस इक्वेशन में ये नेगेटिव साइन क्या शो करता है? दिस नेगेटिव साइन शोज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। As induced EMF generates an induced current, and that induced current will have magnetic field, and this magnetic field will oppose the magnetic flux of applied magnetic field. Students, यहाँ चूंकि EMF generate हो रहा है और ये EMF एक current को induce कर रहा है, और अब इस induced current की अपनी एक magnetic field होगी जो कि इस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगी। सो द नेगेटिव साइन शोज दैट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट अपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। सो दिस इज ऑल अबाउट
टुडेज लेक्चर। आई होप कि आपको समझ आई होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।